हाय गाइस, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं मॉडरेशन साइज में आप लोगों का स्वागत है। मैं यूट्यूब में पहली बार वीडियो छोड़ा तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस रोबोट को भेजने के लिए मुझे एक सिग्नल चाहिए, जैसे कि रेडियो सिग्नल, एफएम सिग्नल, एएम सिग्नल। तो वो मैं एएम सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ। तो एएम सिग्नल एक एक का नेटवर्क का 200 मीटर, मैं एएम सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एएम सिग्नल का एक एक नेटवर्क का 200 मीटर रेंज होगा। तो उस क्या करेगा, एक ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करके फिर रिसीवर करेगा, रिसीवर रिसीव करके फिर ट्रांसमिट करेगा। ऐसा ऐसा करके मुझे छोटा छोटा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उसने गाइस, यही है ट्रांसमीटर सर्किट। तो ट्रांसमीटर सर्किट को जोड़ लेते हैं पॉजिट बोर्ड के साथ। दो बैटरी के साथ दो वायर लगा दिया, एक स्विच भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक दो टर्मिनल, एक टर्मिनल दो, एक VCC पे जाएगा, एक ग्राउंड पे जाएगा। तो अभी ये दो कनेक्शन, एक VCC पे कर दूंगा, एक ग्राउंड पे कर दूंगा। अभी ये प्रोजेक्ट बोर्ड तैयार हो चुका है। ये स्विच दबाने से एएम सिग्नल छोड़ेगा। तो चलिए बाद में ट्राई करता हूँ, पहले ट्रांसमीटर सॉरी रिसीवर तैयार कर लेता हूँ। ट्रांसमीटर सर्किट हो चुका है, मैं अभी रिसीवर सर्किट तैयार कर रहा हूँ। तो एक सेलफोन का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। इस सेलफोन का चार्जर में देखते हैं इसका वोल्ट कितना देते हैं। चलिए देखते हैं, फाइव वोल्ट दे रहा है। तो एक रिसीवर सर्किट, मैं पहले से इसको वायर कनेक्शन करके रख दिया, क्योंकि इसको वायर कनेक्शन करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। वीडियो छोटा करने के लिए मैं पहले से इसको वायर कनेक्शन कर दिया। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। अब इसका रिसीवर सर्किट भी तैयार हो चुका है, अभी देखते हैं इसका रिले काम करते हैं कि नहीं। चलिए तो देखते हैं। बिल्कुल बिना वायर की है, इस रिसीवर के साथ ट्रांसमीटर का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी ये स्विच ऑन कर देता हूँ, देखिए एक साउंड आ रहा है रिले के, मतलब इस वाट कर रहा है। चलिए इसके साथ मोटर कनेक्ट करते हैं, डीसी मोटर। इस डीसी मोटर को हम घुमाएंगे, जो बहुत आरपीएम वाला है। रिले के एसी टर्मिनल मैं इनके साथ जोड़ देता हूँ, रिले से आया है। और मोटर को दूसरा टर्मिनल इसके साथ जोड़ देता हूँ। मोटर का आए दूसरा टर्मिनल रिले के साथ जोड़ दिया। अब ये एसी लाइन इसको दे देता हूँ,
पूरा ऐसी लाइन है। इसमें पूरा ऐसी लाइन है, इसमें लाइन नहीं है। चलिए अभी रिमोट चालू करते हैं। अभी मैं रिमोट चालू करता हूँ।